गाजियाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। तमाम जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। हापुड़ में शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस की सतर्कता गाजियाबाद में भी बढ़ चुकी है। एक तरफ सिहानी गेट पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से ये आरोपी एक गाड़ी में शराब ला रहा था। गाड़ी और शराब बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने अलग अलग जगह पर शराब के ठेकों पर भी छापेमारी की है। ठेकों पर शराब के स्टॉक और उनकी गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। ये SSP सर के निर्देशन में और SP सिटी सर के निर्देशन में एक अभियान, सतत अभियान यहाँ पे चलता है, जिसे मादक जो नशीले सब्सटेंस हैं उनके अगेंस्ट और अवैध शराबों के अगेंस्ट चलता है। उसमें चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें से तकरीबन 18 पेटी अवैध शराब और एक थैला पकड़ा गया जिसमें करीब 1 किलो 200 ग्राम जो है गांजा है। एक अभियुक्त, एक तस्कर, उसको गिरफ्तार किया गया। थाना सिहानी गेट चौकी नंदग्राम द्वारा ये कार्रवाई की गई है।